ज्ञान दशो दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलित श्री गुरव नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित मेन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैष्णवास् श्री रूप सागर जात सहगण रघुनाथन्विम तम सजीव हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत कांत नमोस्तुते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गोपाल आइए मेरे बहन भाइयों मेरे साथ भगवान को प्रणाम कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवा ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत् नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके की नयगोपाल आत्म आत्मज्ञान को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अप्रत्यक्ष फटकार लगाई कि अर्जुन तेरे अंदर तीन कमियां हैं इनको दूर कर तुझे आत्मज्ञान नहीं है आत्मज्ञान होता तो क्यों रोता अरे जिनको आत्मज्ञान होता है वो तो जो चले गए हैं उनके लिए और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते भगवान श्री कृष्ण सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सभी प्राणी जो अज्ञान अंधकार में, में है रजोगुण में है तमोगुण में है सतोगुण में है ये तीनों ही गुणों में ये बद्ध आत्मा रहती हैं, बंधन में रहती हैं, सभी प्राणी तो इन तीनों ही प्रकार की तीनों ही श्रेणियों के लोगों को आत्मज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है एक ब्राह्मण को भी एक क्षत्रिय को भी एक शुद्ध शुद्र को भी वर्कर को एक बिजनेस क्लास बढ़िया जो है उसको भी सभी वर्क के लोगों को आत्मज्ञान होना चाहिए ये मनुष्य का शरीर मिला है ऐसे तो हम सभी जन्म से शूद्री पैदा होते हैं जाए थे संभवा शूद्रा जन्म से तो सभी संभवता संभवतया शूद्र ही पैदा होते हैं शुद्र क्या समझते हैं शूद्र का मतलब है शुद्र का मतलब हम लेते हैं शास्त्रों के अनुसार जो छोटी कैपेसिटी का आदमी है ज्ञान ज्या, कम है अज्ञानता ज्यादा है हर क्षेत्र का उसको हम वर्कर कहते हैं या भारत में फोर्थ क्लास कहते हैं चपरासियों को कि फोर्थ क्लास वर्कर क्लास बढ़िया में थोड़ी इससे ज्यादा बुद्धि होती है वो इधर उधर से बिजनेस करता है पैसे वाला बनता है सुखी मानता है अपने आप को फिर एग्रीकल्चर करके समाज को लाभ भी देता है गौ पालन भी करता है समाज में गौ का दूध भी सप्लाई करता है घी भी तो ये बिजनेस क्लास है इनसे ऊपर क्षत्रिय है वारियर है ऐसे तो सभी को सत्वगुण की सलाह में रहना चाहिए सतोगुणी पुरुष तो जो ब्राह्मण है जो सत्य गुण में रहते हैं जिनकी क्वालिटीज ये चारों ही वर्णों की क्वालिटीज गीता में भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और क्लियर मालूम होगा लेकिन क्षत्रिय को ज्ञान थोड़ा और भी ऊपर होता है तो कोई महात्मा की किसी ब्राह्मण की किसी गुरु की शरण में चला जाता है वो सलाह रह, लेता रहता है आशीर्वाद ही लेता रहता है और नहीं तो कि महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दो मैं मिनिस्टर के लिए खड़ा हो रहा हूं तो कोई महात्मा उसको आशीर्वाद देता है कि ठीक है मिनिस्टर बन जाए तो मेरे आश्रम में दो तीन कुछ बनाना आश्रम को डेवलप करना जा हो हो जाएगा या नहीं हो महात्मा जी को क्या लेना देना है महात्मा जी से कोई ज्ञान पूछे तो ज्ञान देने दे वो, पूछ रहा है मिनिस्टर होने की वही संसार के भोग मतलब एक तरह से आशा तृष्णा है संसार की पद प्रतिष्ठा है कौन मिनिस्टर होना चाहे यदि कोई मिनिस्टर को पद नहीं दे कुर्सी नहीं दे बैठने को, को तनखा भी नहीं दे पैसे भी नहीं दे तो कौन मिनिस्टर होना चाहेगा कोई सम्मान नहीं दे नहीं ये प्रतिष्ठा कुर्सी अच्छी कुर्सी मिल जाती है, है अच्छा भवन मिल जाता है बैठने के लिए जिधर से निकलता है दो चार कारें आगे पीछे होती हैं इसी के लिए तो मिनिस्टर बनता है आदमी अपनी खेती को भी बेच दे खेतों को बेच के भी इलेक्शन लड़ता है पैसे बांटता है घर घर जाके लंबे लंबे हाथ जोड़ता है तक तक के। मुझे ही वोट देना तुम्हारे घर में नल लगवा दूंगा गांव में बिजली ला दूंगा ये कर दूंगा जीत गया तो जो करता है वो आप जानते ही हैं, लेकिन कम से कम वो ब्राह्मण की या कोई साधु महात्मा की शरण लेता है किसी न किसी बहाने से तो उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता रहता है ये लोग सलाह देते रहते हैं लेकिन वर्ण व्यवस्था है जाएते ही संभव शुद्रा सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म से सभी शुद्र होते हैं शुद्र क्या यानी जो तमोगुण में अंधकार में अज्ञानता में जो ज्यादा है उसको शुद्र कहते हैं शारीरिक दृष्टिकोण जिसको ज्यादा है आत्मज्ञान नहीं है उसको शुद्रमती कहो शुद्र कहो जो भी लेकिन एक शुद्र इसी जन्म में ब्राह्मण भी बन सकता है और चारों वर्णों से ऊपर एक शुद्ध भक्त भी बन सकता है सभी उसके लिए दिशाएं खुली हुई हैं शुद्र के लिए भी बणिये के लिए भी बिजनेसमैन के लिए भी क्षत्रिय के लिए भी ब्राह्मण के लिए भी उस भगवान का रास्ता सबके लिए खुला है जैसे बच्चा अज्ञानी होता है इसलिए शुद्ध सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म से तो सभी शुद्ध होते अज्ञानी होते ज्ञान नहीं होता है बालक को आग को पकड़ने के लिए जाता है मां नहीं बचा तो जल जाए कुआ सामने तो कुआ में गिर जाए कूद जाए आ करके गिर जाएगा कुएं के अंदर ज्ञान नहीं है उसको किसमें जाके मैं मर जाऊंगा एक पल में काला नाग को पकड़ लेता है वो तो कृपा है उस काले नाक की या उस परमेश्वर की जो बच्चे को कहते हैं बच्चे को नाक काटता नहीं बच नाक को बहुत ज्ञान होता है लंबी उम्र होती है वो जानता है कि बालक है छोड़ दो नहीं काटता चैतन्य महाप्रभु भी बालक थे जब काले नाग उनका उनके घर के आसपास कहीं काला नाग निकल गया लंबा लंबा चौड़ा होते हैं उधर बंगाल वेस्ट बंगाल में उन्होंने पकड़ लिया वो और उससे बातें कर रहे हैं और वो नाग भी बातें कर रहा है और ये बातें सुनी लोगों ने वो बच्चा बातें कर रहा है अपनी लैंग्वेज में आ, 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 आ। और वो नाग भी जवाब दे रहा है जीव निकाल निकाल के तो एनी anyway, उस परमेश्वर के हुक्म बिना कोई किसी को ना तो काट सकता है ना मार सकता है यहां परमेश्वर का हुक्म है कि अर्जुन मार इनको तो भगवान का हुक्म अर्जुन को मारना पड़ेगा अब अब तो शिष्य बन गया मारना ही पड़ेगा लेकिन अर्जुन को अब वो सारी स्मृति वापिस हो जाएगी जिससे वो पूर्ण रूप से भगवान को पहचानेगा अपने कर्तव्य को पहचानेगा ये ज्ञान है हम सभी अपने अपने कर्तव्य को पहचानेंगे उस परमेश्वर को पहचानेंगे आत्मज्ञान पैदा होगा ये सत्संग की महिमा है जय गोपाल जय गोपाल भगवान समस्त प्राणी मात्र के लिए गीता में एक जगह कहेंगे तद्विद्धि विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया वया ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना इस संसार में भटके हुए प्राणियों को जो दुखों में पड़े हैं अज्ञान अंधकार में पड़े हैं ना समझी में पड़े हैं वो आत्मज्ञान का होना प्रत्येक का धर्म है आत्मज्ञानी होना एक महात्मा का ही धर्म नहीं है एक संन्यासी का ही धर्म नहीं है वानप्रस्थी का भी धर्म है गृहस्थी का भी धर्म है ब्रह्मचारी का भी धर्म है कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो उसको आत्मज्ञान मिले और आत्मज्ञान जब जान जाए तो उस आत्मज्ञान को रियालाइज करे आत्मविज्ञानी बने उसको रियालाइज करे उसका साक्षात्कार कर, करे उसका अनुभव करे कि वास्तव में मैं आत्मा हूं क्या उसका अनुभव करे एक चाइनीज संत बुद्धिस्ट चाइना के बुद्ध भगवान के मिशन के एक संत सौ वर्ष की अवस्था पूरी करके और गुजरने वाले थे शरीर त्यागने वाले थे उन्होंने अपने खास खास शिष्यों को बुलाया नजदीक और उनको कहने लगे दो बात कहने लगे पहली बात तो उन्होंने कही कि मैं अभी आज चला जाऊंगा कुछ घड़ी का ही मेहमान हूं लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं जब मैंने जन्म लिया था तब मेरे मुख में जवान थी जिव्या और आज मैं ये शरीर त्याग कर जाने वाला हूं तब भी ये जिव्या है लेकिन जब मैंने जन्म लिया था तब एक भी दांत नहीं था और आज जब सौ वर्ष की अवस्था में मैं इस शरीर को त्यागना जरूरी हो गया है तब सोच रहा हूं कि एक भी दांत आज भी नहीं है इसका क्या कारण है शिष्य लोग तो करुणा से और थोड़ा सा गंभीर हो गए थे गुरु जी आज शरीर त्यागेंगे कहने लगे गुरु जी सारी जिंदगी आपने हमको उपदेश किए हैं अंत समय आप बतला रहे हैं तो अंत समय में आप ही कुछ आदेश कीजिए उपदेश कीजिए जिससे हमारा भी भला हो और आप ऐसी बात कर क्यों रहे हैं कि आज जा रहा हूं कहा जा रहे हो छोड़ के हमको आप बोलता है अगर तुम कहते हो तो मैं ही बतलाता हूं क्योंकि मैंने जब जन्म लिया था माँ के गर्भ से पेट से तब तो मेरे मुख में जिव्या थी जब से मैंने होश संभाला है मैं इस जिव्या को देख रहा हूं लेकिन दांत नहीं थे और आज मैं मर रहा हूं फिर भी ये जिव्या तो है लेकिन दांत नहीं है उसका मैं यही कारण समझ पाया हूं कि दांत इतने कठोर होते हैं इतने कड़क होते हैं कि अच्छे अच्छी चीज को चबा जाते हैं तोड़ डालते हैं कच्चा चना हो मटर हो उससे भी कठिन कोई और चीज सुपारी हो तोड़ डालते हैं और ये जीव इतनी नरम है लोचक है जिसकी हद नहीं इसलिए ये आज मेरे साथ ही है दांत नहीं है इसका रहस्य यही है मेरे शिष्यों मेरे पुत्रों कि इस संसार में तुम लोग रहना लेकिन इतने नम्र बन के रहना जितनी ये जीव नम्र है तो तुमको हर कोई भी सारे जीवन अपने पास रखेगा सारे जीवन भर आपको सब लोग बुलाएंगे कि आइए 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 लेकिन दांतों की तरह अगर तुम कड़क हो गए अहंकार में भर गए अकड़ के चलने लग गए कि हम तो सन्यासी हैं बुद्ध भगवान की तो तुमको इस समाज छटका देगा भगा देगा बोलो सन्यासी के अंदर इतनी अकड़ कहां से आ गई ये अहंकारी सन्यासी क्या करने का उसको बुला के कोई नहीं बुलाएगा तुमको ये सबके लिए अप्लाई होता है नम्रता भगवान कहते हैं कि तद्विधि प्रणी पाते हे प्राणी तो उस महात्मा के पास जा जो मुझे तत्व से जानता हो और उसके चरणों में साष्टांग गिर करके दंडवत कर दंडे की तरह गिर करके साष्टांग मीन्स आठ अंग शरीर के आठ अंग जमीन पर टच होने चाहिए अष्ट अंग दंडवत आठ अंगों के टच होने से जो दंडवत की जाती है वो गुरु जी को की जाती है भगवान को भी की जाती है साष्टांग दंडवत कर मेरे उस भक्त को जो मेरा एक शुद्ध भक्त है जो मुझे तत्व से जानता है उसके चरणों में गिर करके साष्टांग दंडवत कर और जहां मेरा भक्त बैठा हो उससे नीचे आसन पर बैठ करके और हाथ जोड़ करके जिज्ञासा भरे प्रश्न कर अपने कल्याण के लिए प्रश्न कर कि महात्मा जी हे गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा मैं कैसे सुखी होऊंगा वो तत्वदर्शी महात्मा मेरा भक्त तुझे वो ज्ञान उपदेश करेगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे प्राप्त कर लेगा तो परम सुख को प्राप्त हो जाएगा मेरे मुझे प्राप्त हो जाएगा इससे तो भगवान कहते हैं कि तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना वो तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिस ज्ञान को पा करके तू मेरा हो जाएगा तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे ये दावानल शांत हो जाएगी बुझ जाएगी भगवान के भजन में यहीं से आनंद आने लग जाता है नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि भक्ति ही एक ऐसा विषय है जो तत्क्षण फल देने वाली है इधर करो इधर ही फल मिलना शुरू हो जाता है आप जिस दिन भक्ति करना शुरू करेंगे उ, उसी दिन उसी क्षण आपको भक्ति का आनंद आने लग जाएगा उसी क्षण तत्क्षण क्षण फलदाय इसका फल मिलने लग जाएगा हरेक कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता आज हम पौधा लगाते हैं क्या फल हमको आज मिलता है नहीं मिलता कभी छह महीने में जाके या साल में जाके या कभी कभी आम जैसा छह वर्ष का पौधा हो जाए तब जाके आम देने लगता है जामुन का और भी बाद में और इमली का तो कहते हैं इमली का पौधा लगाने वाला सौ साल का होके गुजर जाता तब इमली का पौधा फल देता है तो इसलिए भक्ति तत्क्षण फल देती है आपको और भक्ति का फल तो अमर फल होता है उस फल की महिमा कभी कम नहीं होती वो आपका आपकी रक्षा करता है वो फल जन्म जनम तो भगवान अपनी भक्ति में सभी को बुला रहे हैं सभी को उस उपदेश को दे रहे हैं गीता के माध्यम से कि सब आ जाइए क्यों इधर फंसे हुए हो क्यों कुत्ते बिल्लियों की जैसी जिंदगी जी रहे हो क्यों ये भूखे प्यासों की तरह तरस रहे हो क्यों ये कांच के टुकड़ों को बीन रहे हो समेट रहे हो खून निकल रहा है तुम्हारे उंगलियों में से हाथों में से जलन हो रही है प्यासे मर रहे हो होट सूख रहे हैं त्वचा जल रही है क्यों ये दुख कलेशों में पागल की तरह ये कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हो मेरी ओर आओ देखो परमानंद की ओर आओ परमेश्वर की ओर आओ उठो के मेरे भक्तों की तरफ जाओ सत्संग में जाओ कुछ आत्मा ज्ञान का प्रसार प्रसारण आपके हृदय में भी जागृत हो आत्मज्ञान पैदा हो ऐसा कुछ सत्संग करो किसी सत्संगत में जाके साधु संग साधु संग साधु संग कीजे लव मात्र साधु संग भवतर लीजे सत्संग की महिमा है सत्संग में कौन सा क्षण ऐसा आ जाए कि आप सदा सदा के लिए उसके प्रिय बन जाएं एक क्षण ही तो लगता है आपको ट्रेन की ट्रैक पे से एक ट्रैक पे से दूसरी ट्रैक पे ट्रेन को लेने के लिए कितना टाइम लगता है एक क्षण लगता है तुरंत ये लाइन से ये लाइन का टुकड़ा जुड़ता है और ट्रेन इधर जाती है इधर मुड़ जाती है एक क्षण आपकी आपको आपको कुछ करना भी नहीं है सत्संग में बैठना है न जाने कब वो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे पल्ले में वो क्षण आ जाए कि तुम्हारी सदैव के लिए गाड़ी वो परम आनंद की ओर चली जाए परमेश्वर की ओर चली जाए परम शांति की ओर चली जाए तो आपसे बड़ा कौन भाग्यशाली है फिर बताइए श्री राम जय राम जय जय राम

जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिमी वैसी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये भावना का खेल है जिस भाई की भावना जैसी होगी जिस बहन की भावना जैसी होगी भगवान की मूर्ति उसको वैसी नजर आएगी जैसे चश्मे हमारे चढ़े होंगे संसार हमको वैसा ही नजर आएगा